जालीदार चिकन कबाब बना रही। अभी मटन का भी इसका बना सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन है तो नीचे मटन का खुला नहीं है, हमारे इधर मटन नहीं मिलता है, तो हमने चिकन का कबाब बना रहे। ये चिकन हमने बोटलेस लाए 1/2 किलो, और उसको हमने मशीन में मिक्सर में उसको पीसे, तो ऐसा खीमा बन गया। 3 अंडे लेंगे, रेड गरम लेंगे, देखो 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुटा भुना जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला है, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला नहीं रहेगा तो नींबू डालो, बहुत टेस्टी लगता है। अभी ये हमने मिर्ची पीस के रखी है हरी वाली, जितनी चाहिए आप उस तीखा जितना चाहिए वो हिसाब से डालो। हमारे घर में बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा डाल रहे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और कोथमीर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी हम बनाने का तरीका बताए, देखो अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, झटपट बन जाता है। रमजान स्पेशल बना रहे हम, ऐसा रमजान में ऐसा बनाओ, हम इजी तरीके से सब बना रहे, ऐसा बनाओ, मैं किचन को आगे बढ़ाओ। देखो पूरे मसाले डाल दिए, ऐसे मसाले डालने के तो टेस्टी लगता है। कोथमीर डाल दिए, कम मसाले डालेंगे तो कबाब अच्छा नहीं लगता है। पूरा मिक्स कर दिए, हाथ को तेल लगा दिए, ये देखो थोड़ा सा हमने कबाब का पोर्शन उठा दिए, उसको गोल कर दिए, अब चपटा कर रहे। देखो एकदम इजी है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, एकदम टेस्टी। देखो ऐसी टिकली बना देंगे, अभी एक बना दिए, ऐसी पूरी बना देंगे फिर बताएंगे। तो 1/2 किलो चिकन में 5 कबाब बने, ऐसे साइज के कबाब बनाएंगे तो 5 ही बनेंगे, देखो ऐसे ही बनाने के, तो 1 पाव के अंदर 1 कबाब बहुत टेस्टी लगेगा। देखो 2 अंडे लिए हमने, नमक डाले थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, अभी अच्छे से फेटेंगे। मेरी गुड़िया पप्पी ले रही। अंडे को फेंट दिए, अभी देखो हम अंडे में डुबा दिए, अभी ब्रेड ग्रम में डालेंगे, ब्रेड ग्रम कैसा बनाने का, ब्रेड लेके उसको अच्छे से ब्रेड को भूनने का, तोड़ने का, और फिर उसको पीसने का, तो ऐसा ब्रेड ग्रम बनता है बाजार की तरह। देखिए बनाए, अभी सब कोट करके ब्रेड ग्रम में रखेंगे, उसके तेल गरम करने रखे हैं बारीक गैस पे, और उसके बाद जब ही तेल गरम करने रखे ना तो ये कोट हो जाएगा, फिर अंडा लेके उधर ही सामने सामने अंडे में डुबाएंगे और फ्राई करेंगे एकदम झटपट। हमने गैस पे तेल रखे थे और कबाब बना दिए, अभी बारीक गैस पे बनाएंगे तो अंदर तक अच्छे से पकेगा, फास्ट गैस पे नहीं। देखो अभी अंडे में डीप करेंगे, देखो किए, अभी तेल में फ्राई करेंगे, ऐसा सब ऐसा ही फ्राई करेंगे। देखो पूरा वीडियो देखो तो समझ में आएगा हम कैसा बना रहे। देखो अभी कबाब के ऊपर ये पूरा अंडा जो बचा है ना पूरा डाल देंगे, तो जाली बनेगी उसके ऊपर। देखो कैसा हाथ कर रहे, देखो अब सा ऐसा हाथ करने का, ऐसी जाली बनानी थी उसके ऊपर। 5 अंडे को दो पांच सॉरी 5 कबाब को 2 अंडे लगे। अभी अंडे को पलटेंगे, ये देखो कबाब को सॉरी देखो कबाब को पलटे, और पूरा जो अंडा रहता है ना उसके अंदर उसको कबाब को लपेट लपेट डालेंगे, लपटेंगे ना तो जाली दिखेगी, बस बस इसको बोलते हैं जाली कबाब।
देखो अभी अंडा बचा है ना, वो ऊपर से और डालेंगे ऐसा। अंडे में पानी बिल्कुल नहीं डालने का, पानी डालेंगे तो जाली नहीं बनेगी। देखो अभी जालीदार कबाब तैयार है, हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हम इसको सब करके बता रहे आपको। देखो हमने चिकन जाली कबाब बनाए, एकदम टेस्टी बनाए, फर्स्ट क्लास बनाए। आप खीमे में भी आज हम लावा कबाब झटपट बना रहे। ये पाव किलो हमने चिकन का खीमा लिए हैं, आप बोटलेस चिकन भी ले सकते हैं। ये देखो ये हमने चार मिर्ची लिए हैं, ये कोथमीर लिए हैं, ये चीज लिए हैं अमूल चीज, यही चीज जाती है इसमें। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये देखो थोड़ी सी चार मिर्ची को चॉप किए लिया, हरी वाली मिर्ची है ये, थोड़ा तीखा लगने के लिए। और एक चिली फ्लेक्स है आधा टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून चिकन मसाला है, और आधा टेबल स्पून पाव टेबल स्पून हल्दी है, और आधा टेबल स्पून कुटा भुना धनिया है, आधा टेबल स्पून कुटा भुना जीरा है, आधा टेबल स्पून चाट मसाला है, स्वाद अनुसार नमक है। सब मिक्स करेंगे और पीस के लाएंगे। चॉपर है हमारे पास, लेकिन हमको टाइम नहीं है, अभी रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, इसलिए मिक्सर में भी चलेगा। सबके पास चॉपर नहीं रहता, इसलिए हम मिक्सर में बता रहे। अब ये चार मिर्ची भी डालेंगे और पूरा मसाला डालेंगे, आपको मसाला बता चुके हम। अभी ये चार मिर्ची डालेंगे और इसको पीस के लाएंगे। ये देखो खीमा पीस के लाए, मिक्सर से निकाल रहे आएंगे, फिर फ्राई करते टाइम बताएंगे आपको। देखिए अभी पूरा बनाएंगे फिर बताएंगे। देखो तेल गरम हो गया, अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं, अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। और कीमा लेंगे, कीमे का बनाएंगे तो बारीक गैस पे ज्यादा टाइम जाएगा, और हम बारीक गैस से बना रहे हैं लेकिन चिकन का बना रहे तो फटाफट हो जाएगा। कीमे भी बनता है, चिकन भी बनता है, हर चीज बनती है, कीमे भी और चिकन भी। चिकन सस्ता पड़ता है, कीमा महंगा पड़ता है। लावा कबाब फ्राई करके तैयार है, अभी हम इसको कट करके आपको बता रहे हैं। लावा कबाब बनके तैयार है, झटपट बनता है ये, ऐसा बनाओ, फोटो भेजो मेरे को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन चीज क्रिस्पी कबाब बना रहे। 1.25 किलो चिकन लिए हमने, उसका बोनलेस लेके उसका खीमा बना दिया मिक्सर में। ये देखो अच्छे से बन गया। एक अंडा लगेगा, वो बताएंगे कैसा लगेगा। वो जर्दी भी लगेगी और अंदर का पार्ट भी लगेगा। ये देखो ये कोथमीर है, इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्ची लेंगे। आपके पास बच्चे खाने को है तो वो मिर्ची मत लो, हरी वाली मिर्ची से तीखा बनता है। ये देखो ये चीज लेंगे, ये चीज देखे, एक टेबल ये सेव देंगे। ये देखो ये सेव का पॉकेट लेके इसको हमने आधा कागज निकाल के रखे, कितनी लगेगी सेव उतनी सेव लेंगे। एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, एक टीस्पून हल्दी है, एक टीस्पून काली मिर्च है, एक टेबल स्पून कुटा भुना जीरा है, एक टेबल स्पून कुटा भुना धनिया है, एक टेबल स्पून चिकन मसाला है, स्वाद अनुसार नमक है और आधा टेबल स्पून चाट मसाला है। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे, एकदम टेस्टी अच्छा बनता है। ये देखो हमने चिकन को लिए, उसके अंदर हमारे टेस्ट के हिसाब से हमने मिर्ची डाले हरी वाली और पूरे मसाले डाल देंगे। झटपट बनता है, इजी है एकदम। हमने नमक भी इसी में डाले, स्वाद अनुसार नमक, आपको जितना टेस्ट लगेगा उतना नमक डालने का। किसको कम लगता किसको ज्यादा लगता, हम बराबर टेस्ट के हिसाब से लेते। अदरक लहसुन का पेस्ट डाले 1 टेबल स्पून, कोथमीर डालेंगे। अभी अंडे की जर्दी अलग करेंगे, मसाला मिक्स कर दिए, अंडे की सफेदी इसके अंदर डाल दिए, ये जर्दी इधर रखे हैं। अभी हम बनाने का बता रहे हैं। अभी इसको अच्छे से कांटे से लेके हिला देंगे। आधा पॉकेट में से ये देखिए, इसे वो ऐसा तोड़ेंगे, आधा पॉकेट उठा के रखना है, इसको थोड़ा बारीक करेंगे, ज्यादा नहीं। ये देखिए देखिए ऐसा हो गया, अभी बता रहा। ये देखो अभी हम थोड़ा सा कबाब को भूसे निकाले, उसको ऐसा गोल करके चपटा करेंगे, उसके अंदर चीज है। आपके पास कांडी है तो आप कांडी डाल सकते हैं, हमारे पास कांडी नहीं है तो हम कांडी नहीं लगाते। चीज अंदर डाल के ऐसा लपटेंगे, ऐसा गोल लंबा सा करेंगे। ऐसा पूरा करेंगे। ये देखो अभी ये देखो ये अंडे में डिप करेंगे और उसको सेव में डिप करेंगे, लगा देंगे उसे। और सेव लगेगी तो लेंगे, लेकिन सेव में अच्छे से लपटेंगे उसे। ऐसा पूरा करेंगे, उसके बाद बताएंगे आप फ्राई करते हैं। तेल को हमने गरम किए, अभी हम मीडियम गैस पे इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। नहीं तो अगर फायर गैस पे करेंगे तो कच्चा रह जाएगा अंदर। जितनी सेव हमने निकाले थे उतनी सेव बस हो गई, बराबर हो गई। और इतने 1.25 किलो चिकन में 5 कबाब 6 कबाब बन गए। ये देखो 6 कबाब बड़े बड़े बन गए,
गोल्डन ब्राउन हो गए, अभी इसको निकाल रहे। इसको कोई भी चटनी लो, हरी लो या मायनीज के लो या टमाटर सॉस लो, उसके साथ खाने का रमजान स्पेशल बना रहे हैं। आप इसके बीच में काजू भी लगा सकते हैं, हमारे पास काजू नहीं है तो हम लगा देते हैं। आपको अगर चांदी लगाना है तो लगाओ। देखो चीज अच्छी बाहर निकलेगी ना तो समझ लेगा कबाब अंदर तक अच्छे से पक रहे। हमने चिकन चीज क्रिस्पी कबाब बनाए एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत टेस्टी बने हैं। देखो पाव किलो चिकन में 6 कबाब बन गए बड़े बड़े, देखिए कितना अच्छा बना है फर्स्ट क्लास। रमजान में रोजे में बना के खाओ, एकदम फर्स्ट क्लास बना है, एकदम कड़क कड़क क्रिस्पी। ये देखो देखिए इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना है। देखो बड़े भी खाएंगे शौक से और बच्चे भी खाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जब भी हमारी माँ जिंदी थी, जब भी वो गांव में थे तो वो मटन का गोल कबाब बनाते थे, चिकन का गोल कबाब बनाती थी। वो कबाब आज हम बना रहे। ये देखो ये चिकन का पाव किलो हमने बोटलेस लेके इसको मिक्सर में पीसे। कस्तूरी मेथी लेंगे 1 टेबल स्पून। 1 प्याली हमने चावल का आटा लिए, आप कोई ज्वारी बाजरी गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये हमने आधा प्याज लिए, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये हमने तंदूरी चिकन मसाला लिए, ये 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी लिए, 1 कोथमीर है और 1 पुदीना है, सूखा पुदीना, सूखी कोथमीर भी आप ले सकते हैं। लॉकडाउन है, नीचे मिलता नहीं है, ये हिसाब से बता रहे। और ये हमने 5 मिर्ची कश्मीरी लेके उसको ऐसा चिली फिश बना के रखे, 1 टेबल स्पून बन गया। ये 4 मिर्ची हरी वाली काट के रखे, जितना तेज चाहिए वो हिसाब से आप लो। बच्चा खाता है तो हरी मिर्ची लो मत। ये देखो, ये हम 1 टेबल स्पून हमने थोड़ा कम काली मिर्च लिए, आधा टेबल स्पून हमने तिल लिए काले तिल, 1 तेज पत्ता है और 4 इलायची है, आधा टीस्पून, आधा टेबल स्पून हमने सौंफ लिए, वो कोकनी में परिसौंफ बोलते, और ये जीरा है आधा टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून भर के हमने अक्खा धनिया लिए। अभी ये सब इसको भून के लेंगे और दरदरा पीसेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे हाँ, या तो हमदस्ते में कूटो या तो मिक्सर में दरदरा पीसो। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे। अभी ये मसाला हम ऐसा थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, इसको दरदरा पीसेंगे। आप हमदस्ते में कूट सकते हैं और मिक्सर में तो दरदरा पीसता है, तो हमन दस्ते में कूटने की जरूरत है। हमारी माँ हमन दस्ते में कूटती थी उसको, या सील पत्थर पे कूटती थी उसको। अभी हमने 1 मिनट इसको भून लिए, अभी इसका दरदरा पीसेंगे इसको हम मिक्सर में। देखो हमने दरदरा पीस के लाए, अभी हम आगे का बता रहे। देखो हमने सब डाल दिए, पूरा मसाला डाल दिए, इतने खीमे को इतना चाहिए, ये चिकन के कच्चे खीमे के कबाब। ये आप खीमे में मटन में भी बना सकते हैं, मटन में असली हमारे मटन में ही बनते थे, लेकिन अभी हमारे पास मटन है नहीं क्योंकि और नीचे जा नहीं सकते, और नीचे जाना भी मना है, और जाएंगे तो दुकान खुली नहीं है, इसलिए देखो सब डाल दिए हमने। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये देखो
अभी अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डालेंगे, कस्तूरी मेथी 1 टेबल स्पून डालेंगे। हमारी माँ के पास कस्तूरी मेथी नहीं रहती थी तो बाहर हमारी घर के पीछे मेथी लगेली रहती थी गीली, वो लाके बारीक काट के इसके अंदर डालती थी। हाँ, कच्चे खीमे के गोल कबाब एकदम टेस्टी। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अभी 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे। देखो एकदम सूखा हो गया ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि सूखा बनाएंगे ना तो अंदर से कच्चे रहेंगे गोल बनाने के। इसके लिए देखो आटा बराबर हो गया, देखो दो टेबल स्पून पानी लगा। झटपट बन जाती है ये, हमारी माँ रोजा खोलते टाइम ज्यादा बनाती थी। ऐसा तो हमेशा बनाते हैं लेकिन रोजा खोलते टाइम ज्यादा बनाती थी। ऐसा आटा होना चाहिए, देखो हाथ में लेके बता रही, ऐसा होना चाहिए, सूखा भी नहीं और गिल्ला भी नहीं होना चाहिए। अभी इसके गोल कबाब बनाएंगे। ये देखो ऐसा बनाने का, और फास्ट गैस पे तेल गरम करने का और फिर धीमी गैस करने की, उसके ऊपर फ्राई करने का उसके अंदर, नहीं तो अंदर कच्चे रहेंगे। हो गया, अभी बारीक गैस की है, अभी कबाब बनाएंगे। अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पलटी मारेंगे नहीं, नहीं तो फूट जाएंगे। कबाब गोल्डन ब्राउन हुए, अभी हम हिला रहे इसको, नहीं तो टूट जाएंगे। हाँ देखो अभी हम निकाल रहे, देखे हम बिल्कुल हिलाए नहीं इसको, देखिए बराबर ऊपर नीचे से पूरे पक गए अच्छे से। अभी इसको पूरे निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। ये चिकन के कबाब बनाए हमने एकदम टेस्टी, बहुत पुराने जमाने के कबाब है, हमारी माँ बनाती थी ऐसा। ये देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज़।